अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक अली। कई दिनों से एक अफवाह फैल रही है कि हर किसी को जो है डबल बेडरूम अलाउट हो गया बल्कि, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके न्यारे एजेंट हैं और एजेंटों से उशार रही है, और मतीन भाई जो बोल रहे हैं इसको तमाम सुन के डिटेल, उसके बाद में आप क्या है कार्रवाई करिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। दोस्तों कुछ लगातार एक कुछ दिनों से 4-5 दिनों से GHMC के ऑफिसर्स आपके बस्तियों में आ रहे हैं, डबल बेडरूम फॉर्म्स को लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेकर आपके पास आ रहे हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म्स में जो आप लोग मी सेवा में डबल बेडरूम के लिए एप्लीकेशंस दिए हैं, जो रिसिप्ट आप लोगों के पास है वही रिसिप्ट का ये एक कॉपी है। तो इसमें दोबारा से ये एप्लीकेशन, इसमें जो आप लोग मी सेवा में एप्लीकेशन कॉपी जो आपके पास है उसका जो एप्लीकेशन नंबर इसमें फिर से दोबारा डाले जाएगा, और इसमें फूड सिक्योरिटी कार्ड का नंबर, एप्लीकेशन का नेम, और एप्लीकेशन के जो एप्लीकेशन दिए उनके हस्बैंड का नाम, आधार कार्ड और जेंडर, एड्रेस और हाउस नंबर, कॉलोनी, वार्ड, लैंडमार्क, लोकेलिटी और डिस्ट्रिक्ट नेम, मंडल, विलेज, पिन कोड, और आप क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशंस, रिलीजियंस यानी जो आप किस मज़हब के हैं, और कम्युनिटी, और प्रेजेंट आप जो एड्रेस पे है, और इससे पहले जो एप्लीकेशन आप मिसेवा में दिए हैं उस टाइम पे आप कौन से एड्रेस पे थे, और आप अब किस तरीके के घर में, यानी सीटों के घर में है या ज़ाती घर में है या किराए के घर में है, और आपको कोई पेंशंस है, और आपको कोई घर इससे पहले कुछ अलॉटमेंट हुआ है, और आपका मोबाइल नंबर, आपकी उम्र, और प्रेजेंट आप जो जिस टाइप के घर में रहें उसका, उस घर का जिस टाइप का है वही घर का आप बोलना पड़ेगा, और आसरा पेंशंस, और आप किसी गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में है, इस तरीके का ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और ये फॉर्म फिलअप करके ये लोग ऑनलाइन किया जाएंगे, और जो ये GHMC के ऑफिसर्स जो आपके पास आ रहे हैं वो लोग आपका ये डेटा लेकर ये एप्लीकेशंस ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन करने के बाद मैं समझता हूँ कुछ महीने, 6-7 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन जो कलेक्टर के पास जाएंगे, उस एप्लीकेशंस को कलेक्टर साहब उसमें से कुछ लैटरी टाइप यानी सेलेक्ट किया जाएंगे, अलॉटमेंट के लिए सेलेक्ट किया जाएंगे। अब कितने आदमियों को सेलेक्ट होता ये अब कलेक्टर साहब भी जानते हैं, और ये अलॉटमेंट होने के बाद वो लिस्ट GHMC अलग अलग जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के GHMC है उस हलके के GHMC के ऑफिस में ये लिस्ट आएंगी, और ये लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को फिर से दोबारा आपके पाप को फिर बुलाया जाएगा, और आप लोगों को अलॉटमेंट मैं समझता हूँ इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो आप लोग ये गलतफहमी कुछ लोग पाल रहे हैं कि ये एप्लीकेशन से लेकर जो आपके बस्तियों में जो GHMC ऑफिसर्स आ रहे हैं वो लोग ऐसा गलतफहमी पब्लिक पाल रही है कि हमको GHMC के तरफ से हमको डबल बेडरूम सैंक्शन हो गया है, हमको डबल बेडरूम देने के लिए हमारे नाम पुकार रहे हैं, ऐसा कहकर वो एक गलतफहमी पाल रहे हैं कि वो लोग हमारा नाम आके चले गया, फिर ये लोग आते या नहीं आते, फिर वो कैसा, ये हम क्या करना। तो अगर आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो एरिया के RP और जो एरिया के GHMC ऑफिसर्स हैं वो एरिया में फिर जाकर आप पता कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन का में हमारा नाम है या नहीं है, फिर से हमारा ये एप्लीकेशन आप ले सकते हैं। यानी जिसके पास जो स्लिप है वो स्लिप लेकर जाएंगे तो ही ये एप्लीकेशन आपको फिर से दोबारा वो फिलअप करके भेजेंगे, तो उसके बाद ही आपको फिर सिलेक्शंस रहे होगा, चाहे 1-6 महीने लगेंगे या 1 साल लगेंगे, उसके बाद ही सिलेक्शन के बाद ही आपको कन्फर्म अलाटमेंट होगा। अभी अलाटमेंट नहीं हुआ है, अब ये सिर्फ ये आपको जो आपके पास जो स्लिप है वही स्लिप का एक कॉपी है, ये फिर से इसमें हर डिटेल्स आपको लिया जाएगा। इसमें फूड सिक्योरिटी, आपका राशन कार्ड का डिटेल कंपलसरी आप देना है, और राशन कार्ड का इसमें कंपलसरी इसमें नंबर मेंशन करना है। तो आप लोग ऐसा गलतफहमी मत पालिए कि आप लोगों को अभी
कोई भी डबल बेडरूम सैंक्शन नहीं हुआ। इंशाल्लाह इस ऑनलाइन होने के बाद में शायद हो सकता, कितने आदमियों को ये गवर्नमेंट ही जानती है, तो आप लोग ऐसा गलतफहमी मत पालिए कि आप लोगों को सैंक्शन हो गया है। तो मैं इसी अवेयरनेस के लिए, आप लोगों को ये बात इतला करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग समझेंगे और जीएचएमसी ऑफिसर्स को कोऑपरेट करेंगे। शुक्रिया।